अरे भाई एक सीन हो गया गाइस, मैं यहाँ पे बैठा था इस ब्रिज के नीचे और रितेन भाई ऊपर से चले गए। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। और गाइस कमेंट में बताओ गुजराती ब्लॉग में कितना मजा आया। बाकी गाइस आज हमारी यात्रा को 11 दिन हो चुके हैं भाई, और यहाँ से अयोध्या नगरी बची है 455 किलोमीटर। और हम लोग रुके थे रात को यहाँ पे श्री 1008 सखी हनुमान जी के मंदिर में। तो इस मंदिर में रात को हम लोग रुके थे 7 बजे, और यहाँ से अब कानपुर आएगा जो कि भाई 223 किलोमीटर, उसके बाद लखनऊ आएगा जो कि 309 किलोमीटर है। तो चलो हम लोग अभी दर्शन करने के बाद निकलते हैं आगे की ओर। तो चलो बहुत अच्छे से दर्शन कर लेते हनुमान जी के, बोलो जय जय श्री राम। तो चलो अभी के बजे है भाई 8, और हमारी निंजा रेडी हो चुकी है। और यहाँ से ये वाला मंदिर था यहाँ पे सखी के हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ पे हम लोग रात को रुके थे। और ये वाला रास्ता जा रहा है कानपुर और झांसी इस तरफ है, और ये बाईपास से झांसी का भाई, तो इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। बाकी रितेन भाई हमारे रेडी हो चुके हैं और हम भी रेडी, हमारी साइकिल भी रेडी। तो गाइस चलो आगे की ओर बढ़ते भाई। और देखो भाई यहाँ पे ना 8 बजे अभी, और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना भाई, देखो बहुत ही ज़्यादा। बाकी कोई बात नहीं, आराम आराम से आगे बढ़ते जाएंगे। और हमारी मंजिल बस थोड़ी पास में है, अब 850 किलोमीटर के आसपास कवर हो चुका है हमारा गाइस इसी अपनी साइकिल से। तो चलो कोई नहीं, आगे की ओर बढ़ते। फाइनली गाइस झांसी सिटी से बाहर आ चुके हैं, मतलब झांसी से आगे आ चुके हैं, और ये रास्ता जा रहा है भाई कानपुर। तो यहाँ से अभी कानपुर है भाई 220 किलोमीटर। अभी भाई धूप तो इतनी ज़्यादा है ना MP और UP में, और राजस्थान में भी भाई इतनी ज़्यादा ही होगी, बहुत धूप है भाई, धूप धूप धूप, क्या करे, ट्रैफिक हो रही है भाई, एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। देखो पूरा रास्ता ब्लॉक है, इसलिए उस रास्ते वाली गाड़ियाँ भी यहाँ से ही जा रही है भाई। चलो भाई अभी हम लोग रुके थे भाई इस मंदिर में, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे मेरे को एक भाई मिले, क्या नाम है भाई आपका? उदित भाई, बनारस से। ओके, तो भाई मिले हैं और यहाँ पे आए हैं भाई, इनके एग्ज़ाम है तो देने के लिए, तो यहाँ पे मिले। और भाई भाई भी यूट्यूबर है, तो मिलेंगे ज़रूर एक बार। ओके भाई, और भाई से भाई बहुत मोटिवेशन मिला, और भाई ने भी एक दो चैनल है भाई की भी, लेकिन एक नया शुरू करेंगे उसके बाद मिलेंगे ज़रूर। ओके भाई, बिल्कुल मिलेंगे। ओके भाई, गाइस आज भाई 21 तारीख है और 11 तारीख को मैं निकला था घर से। तो भाई 10 दिन हो चुके MP में, और आज एक नया दिन है भाई UP में, आ चुके हैं भाई UP उत्तर प्रदेश। देखो भाई बहुत ही बढ़िया है भाई, जैसा पंजाब लग रहा है ना, पंजाब जैसा लग रहा है पूरा भाई, बहुत ही खूबसूरत। 10 बजे है भाई, और इतनी ज़्यादा कड़कड़ती भाई गर्मी धूप हो चुकी है ना, बहुत ही ख़राब भाई। UP MP राजस्थान भाई इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना, हाई लेवल भाई। अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो भाई मेरे को छाव चाहिए, क्योंकि भाई खड़ा रहने की हालत नहीं है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है भाई। भाई अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था, ये अपनी निंजा खड़ी। बाकी देखो ब्रिज के नीचे भाई छोटा सा एक बाजार है, तो यहाँ पे मैं रुका था थोड़ी देर के लिए, साइकिल को ठीक करवानी है। ये वाला टायर इस तरफ आ गया भाई, देखो ये इस तरफ इतनी ज़्यादा जगह है भाई, और इस तरफ यह टायर इधर आ चुका है। तो आगे जाके देखते हैं भाई, कोई दुकान मिले तो ठीक करवा लेते। और गाइज अभी 11 बजने वाले, 10 मिनट की देर है भाई, और हमारी ये निंजा चल चुकी है 28 किलोमीटर। 8 बजे निकले थे भाई, अच्छा कवर हो चुका। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार रितेन भाई आ जाए यहाँ पे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते। अरे मीठा है, अरे लोग हैं हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल खरे। ओके, तो सर जी ने भाई मिठाई दी है, तो शुक्रिया सर जी। और इन्होंने मेरी केदारनाथ वाली रील देखी थी, तो यहाँ
पे मैं बैठा था तो भैया जी आए। और उनका नाम क्या है? सैलन सिंह। ओके, तो यहाँ पे मिले, शुक्रिया। थैंक यू। ओके मिलते। ओके ओके शुक्रिया। ओके भैया। तो चलो गाइस, भैया ने ये मिठाई दे दी और दूसरे भाई यहाँ से मिले थे जिन्होंने भाई पानी दिया और ये फ्रूट्स दिए है। कब से मैं यहाँ पे बैठा था तो यहाँ पे ये केले है, एप्पल है। तो चलो भाई, बहुत लोगों ने यहाँ पे हेल्प कर दी मेरी और यहाँ पे अभी भी बैठा हूँ। रितेन भाई आए तो सब साथ में नाश्ता खाना करते हैं भाई, फिर आगे की ओर बढ़ते। अरे भाई, एक सीन हो गया गाइस, मैं यहाँ पे बैठा था इस ब्रिज के नीचे और रितेन भाई ऊपर से चले गए आगे की ओर। तो चलो भाई, मैं भी अब आगे जाता हूँ। तो चलो भाई, पहुँच चुके हैं रितेन भाई के पास में। ये रहे हमारे रितेन भाई, ये हमारी साइकिल है और हम लोग यहाँ पे रुके हैं भाई। और अभी बजे भाई 12, नाश्ता हमारा तो कर लेते। ये भाई लोगों ने दिया था वहाँ पर ब्रिज के नीचे, तो वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया जहाँ पे रितेन भाई थे। तो चलो भाई, यहाँ पे अच्छा पेड़ है, अच्छी छाव है, तो रुके हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलो आज भाई कर लेते हैं बहुत अच्छा नाश्ता। फाइनली गाइस भाई, 1:40 हुई है और देखो भाई, अभी थोड़ी धूप कम हो चुकी है तो हम लोग बढ़ रहे हैं भाई आगे की ओर। ये अपनी साइकिल, ये रितेन भाई। तो भाई अभी यहाँ पे भाई बैठा था मैं थोड़ी देर के लिए, अभी के बजे है भाई 3। और चलो अब आगे बढ़ता हूँ और रहने के लिए जगह ढूंढता हूँ भाई। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है ये वाला। तो गाइस चलो भाई, 5 और मैं भाई थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बैठ गया था। बाकी अपनी साइकिल है ना भाई, पूरी ख़राब हो चुकी है। देखो ये देखो भाई, हालत साइकिल की ख़राब, क्योंकि भाई यहाँ पे है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा, ये धूल है ना, धूल बहुत ही ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी चलती है, तो अपनी साइकिल बहुत ही ख़राब हो चुकी है। बाकी गाइस, यहाँ से 400 अयोध्या नगरी। तो आज 21 है, मैं 7-8 में पहुंचने की कोशिश करूंगा गाइस। वैसे तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन अपनी साइकिल में कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है तो बस उसका सामना करना पड़ेगा। बाकी गाइस, यहाँ पे भाई थोड़ी देर के लिए बैठना है, मैं सोच रहा था बैठूं क्योंकि 5 है और जगह भी नहीं मिली। तो यहाँ पे दुकान है, सामने कोई होटल है, तो पीछे अपने रितेन भाई आ रहे, तो थोड़ी देर बैठता हूँ फिर साथ में जगह ढूंढने की कोशिश करते, क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ पे होटल है, आगे कुछ नहीं है। बाकी इस तरफ देखो, इस तरफ भी कुछ नहीं है आगे। गाइस यहाँ से भाई एक जगह मेरे को मिली है, तो यहाँ पे जाना है अंदर आगे, तो वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। तो पता नहीं वहाँ पे रहने की व्यवस्था है या नहीं, पर जाके पूछने में हमारा क्या जाता है, एक बार पूछ लेते हैं। चलो तो जितनी भी वैसे जगह मेरे को मैप में दिखती है वो भी पूछ लेता हूँ, और वैसे आमने सामने देखने को मिलती है तो भी पूछ लेता हूँ। तो चलो यहाँ से भाई, ये रास्ता ऊपर हाईवे जाता है, यहाँ से ये एक छोटा सा बाजार है, बाजार सिटी कुछ भी कह लो, तो वहाँ पे एक मंदिर है, मैप में दिखा रहा है। तो चलो जाके पूछते हैं भाई कि रहना है हमको तो व्यवस्था हो सकती है, होएगी तो वहाँ पे रह लेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे। चलो फाइनली जगह मिल चुकी, मैंने जो मंदिर देखा था वहाँ पे ही हमको रहने के लिए आज जगह मिल चुकी। तो ये बजरंग बली का मंदिर है, तो यहाँ पे चलो जगह मिल चुकी है भाई, बहुत ही अच्छा है। तो अभी रितेन भाई आ रहे हैं, और तो ये गांव है भाई भुजोत करके, और यहाँ से कानपुर 168 है, और हमारी निंजा चली है 60 कम्प्लीटली 60। तो चलो ऐसे कुछ जगह है आज रुकने के लिए, बहुत ही अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे। बाकी चलो, आज का रहने का व्यवस्था हो चुका है भाई, और यहाँ से करीबन 400 के आसपास अयोध्या नगरी है। तो जल्दी से जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे गाइस। अभी फ्रेश व्रेश तो हुआ हूँ, लेकिन थोड़े से कपड़े उपड़े धोने, तो चलो देखते हैं धोते कि नहीं धोते। तो ऐसा कुछ जगह है भाई रहने के लिए, बाकी अपनी निंजा खड़ी भाई। आज 11 हमारे कंप्लीट हो चुके, कैसे दिन गए पता ही नहीं चल रहा है भाई, लेकिन पहुँच जाएंगे जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी। तो गाइस चलो भाई, कपड़े धोने थे धो दिए और खाना भी खा लिया, बाकी अपने रितेन भाई आ भी गए और सो भी गए गाइस। बाकी चलो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, एक और नए दिन में गाइस। बाकी चलो, आज हमारी यात्रा को 11 कंप्लीट हो गए, और भाई अब यहाँ से भाई थोड़ा सा ही बचा है, मतलब 17-18 हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बाकी मिलते हैं एक और नए दिन में,
टाटा बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा।